हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है शुभम को छुट्टी, एकदम से प्लान बनाया हमारा। और शुभम ने बोला कि तू रेडी हो जा। शुभम थोड़े काम से मार्केट तक गए हुए थे, तो वहीं से फोन आया कि रेडी हो जा, हम चलते हैं घूमने। और घूमने जा रहे हैं हम, पता है कहाँ? हरिद्वार। नहीं, मेरे से नहीं रहा जाता, क्योंकि मैं भी पहली बार जा रही हूँ। मेरे को इतनी एक्साइटमेंट है हरिद्वार जाने का। मेरा मतलब ये बचपन का सपना था कि मैं हरिद्वार जाऊँ और आरती करूँ वहाँ पे। तो अभी हम निकल रहे हैं, चलो लेट्स गेट स्टार्टेड, जर्नी बिगिंस। तो गाइस, जर्नी हैज जस्ट बिगन। लो लिया क्या? आईडी कार्ड लिया, मतलब आईडी प्रूफ लिया कुछ? अब तुम कर क्या रही थी इतनी देर से? भाई मैंने तुम्हें जब मार्केट जाते थे बोला था, मैं क्या आईडी डाल लियो? यार मेरे को कहाँ ध्यान रहा, पर मेरे पास सॉफ्ट कॉपीज तो है, उसका कुछ नहीं होता। मेरे दिमाग में ना एक आइडिया आया शुभम, इस बार ही ना ऐसा करते है ना। अब हम मोस्टली वैसे तो ऐसे मतलब हमारे खर्चे बहुत बढ़ जाते हैं ना, कहीं भी हम जाते तो इस बार ही करते हैं हम कि हम पॉकेट फ्रेंडली ट्रिप बनाते हैं, इसको कुछ यूनिक करते हैं, है ना। तो पॉकेट फ्रेंडली इन द सेंस कि हम जो भी कुछ खाएंगे ना, हम सब कुछ इस बार नोट डाउन करेंगे, दिखाएंगे भी। अभी हम जस्ट चले हैं तो तेल भी नहीं भरवाया अभी, तो सब कुछ दिखाएंगे, कितने में आना जाना हुआ हमारा, कितने में कितने का तेल लगा, एवरीथिंग। अभी क्या टाइम हुआ एग्जैक्ट बताओगे? एग्जैक्ट है 1:24 हुआ है। तो 1:24 पे मतलब लंच करना है अभी हमको, लंच नहीं किया हमने, ब्रेकफास्ट किया है सिर्फ। तो लंच में हम क्या खाएंगे वो भी बताएंगे, और रीजनेबल प्राइस में देखेंगे कुछ ऑप्शन। सस्ते खाएंगे पर अच्छा हेल्दी खाएंगे, हेल्दी भी खाएंगे, प्लस हेल्दी तो मतलब हेल्दी ऐसा कि हमारे पेट को अच्छा लगे, हमारे मन को अच्छा लगे। और अभी हम वैसे पानी की बॉटल्स अपने साथ कैरी करके निकलते ही है, वो हमारा रूटीन है। दो बॉटल्स हमने कैरी की हुई, पानी का खर्चा बचा दिया हमने, कट कर दिया। हाँ, नहीं तो वो तो अभी 2-3 घंटे में खत्म हो जाएगा, इतना पानी तो हम पी लेते हैं। हल्का फुल्का जो भी खाओगे हम वो लिखते चलेंगे, मेरे पास पेन पेंसिल मतलब कुछ भी नहीं है। वीडियो में नोट हो जाएगा ना, वैसे तो वीडियो बना। तुम कैसी बातें करती हो यार, अभी तक मेरे को याद ही नहीं रहता कि मैं ब्लॉगिंग भी करती हूँ। अब कब आएगा यार, जब 1 लाख हो जाएंगे? जब 1 लाख होएंगे तब मेरे को याद रहना, बड़ी से भी सुना करो प्रभु, जल्दी 1 लाख कर दो ताकि शिवानी को पता लग जाए कि वो ब्लॉगिंग कर रही है। ये है वो जगह जहाँ मेरा बर्थडे सेलिब्रेट किया था, अच्छा है लेकिन थोड़ा ओवर हाइप्ड है और ओवर एक्सपेंसिव है ना। लंच तो नहीं करना तुमने यहाँ पे? हम वैसे भी इस बार वाला ट्रिप हमारा किफायती ट्रिप होने वाला है, ताकि सबके लिए किफायती हो। तो अभी पहुंचे हैं हम लोग पोंटा, और पहला पेट्रोल अभी डलवा रहे हैं हम, अभी तक चल रहा था इसमें। 1500 का तेल डलवा दो, फिर देखते हैं कहाँ तक चलती है गाड़ी। हमें भूख लगी थी और खाना ढूंढते ढूंढते हम उत्तराखंड की पावन धरती पे भी आ गए। देख लो अब हम एंटर हो गए हैं यूके में, यूके यूनाइटेड किंगडम मत समझना, उत्तराखंड राज्य में प्रवेश पर आपका हार्दिक अभिनंदन। इधर आगे पीछे कहीं भी रुक जाते हैं, क्योंकि अब अगर लंच नहीं किया तो 3 बज जाएंगे ना, मतलब यार तो लंच का टाइम हो चुका है, पहले देखना पड़ेगा ना यार। तो यहाँ पे खा लेते हैं खाना, थाली थूली करते कुछ ऑर्डर, है ना। तो अभी किया है हमने ऑर्डर स्पेशल थाली, जिसमें हमें बहुत कुछ मिलेगा, देखते हैं कैसा कुछ है। रिव्यूज और प्राइस हम तब शेयर करेंगे जब हमें अच्छा लगेगा। यार ये वाला ग्लास तांबा होता है ना, ये मुझे बड़े टेस्टी लगता है, इसका पानी फ्लेवर बहुत अच्छा था पानी का। तो हमने की है स्पेशल थाली जो थी 120 की, और नॉर्मल थाली थी 80 आई गेस, है ना। तो मैंने कहा 120 वर्थ है और कोई बहुत कॉस्टली ना, और एक ही थाली की है क्योंकि 4 रोटी थे और चावल भी थे, तो हम दोनों के लिए सफिशियंट होता उतना खाना। भूख भी नहीं है, तुम तो 11 बजे। मुझे ज़्यादा भूख नहीं थी पर अब नहीं, भूख लग गई है, खाना सोच के मुझे भूख लग जाती है। तो डिलीशियस लग रहा है यार। तो गाइस हमने खाना खा लिया है, बहुत टेस्टी खाना था। और सोचो यार 120 में, मतलब हमने एक्स्ट्रा चपाती भी ली, उसका भी वो कहते कि नहीं उसी में ही था, कोई बात नहीं की। मैं हैरान रह गई, खाना यार हद ही सस्ता था और इतना टेस्टी खाना, मतलब तो उसमें शाही पनीर था, दाल मखनी थी, रायता था और सब्जी थी और सैलड भी था और सब्जी में मिक्स वेज, हाँ सब कुछ था। और चावल थे, चावल भी फ्राइड टाइप में थे, मतलब अच्छे, हाँ
और एक्स्ट्रा लेने पर भी कोई चार्जेस नहीं थे। हम तो ऐसे समझ रहे थे इनका ज्यादा लगेंगे पैसे, क्योंकि हमने एक्स्ट्रा भी ली एक दो चीजें थी। और अब रह गया हमें 36 किलोमीटर देहरादून। अच्छी शुरुआत हुई है, अच्छी शुरुआत हुई है। सही में तो गाइज हम पहुंच चुके हैं हरिद्वार और टाइम हो गया है 5:31। हमारा मेन एम था कि हमको शाम की आरती देखनी ही देखनी है हर की पौड़ी में। तो पहले तो हम रूम ढूंढते हैं, मतलब अभी तक हमने रूम नहीं ढूंढ रखा है। और उसके बाद हम सीधे असली थ्रिल कर रहे हैं, थ्रिल कर रहे हैं। नहीं मिल ही जाता, वैसे इतना मुश्किल नहीं होता, थोड़ा सा कॉस्टली होगा पर चलो। तो उसके बाद हम सीधे निकलेंगे आरती के लिए, और आरती देखनी ही देखनी आज, चाहे जो मर्जी हो जाए। लोग ही लोग है, खराब है लोगों का। कर ले ऐसा नहीं रात को हमें गाड़ी में सोना पड़े, तो गाड़ी में भी सो जाएंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। अब हम भगवान जी के दर्शन करने आए, तो भगवान जी अपने आप हमारे लिए रास्ता बनाएंगे और अपने आप देखना हमारे को मिल ही जाएगा कुछ ना कुछ। बहुत बुरा लग रहा है, हम आरती नहीं देख पा रहे, और ऊपर से देखो बारिश भी लग पड़ी है। मेरी जेठालाल वाली कुंडली है सच में भगवान ने दी हुई, मतलब जितना मन होता है जिस भी चीज को करने का वही चीज मेरे साथ नहीं हो पाती है, पता नहीं क्यों है। तो गाइस हमने लगा दी है गाड़ी पार्किंग में, दीनदयाल पार्किंग में लगाई है हमने गाड़ी। और यहाँ है पार्किंग के चार्जेस 100 रुपीज़ आई गेस, वो भी 6 आवर्स के लिए। लेकिन इसके बाद जब हम निकाल देंगे गाड़ी थोड़ी देर में, और यहाँ देखो कीचड़ ही कीचड़ हो रखा है यहाँ पे। और अभी जा रहे हैं आरती देखने, बस चाहे 5 मिनट को मुझे दर्शन हो जाए, बहुत मन है देखने का। भागो भागो आरती देव, हाथ नहीं छोड़ते अपनी बीवी का, कोई ले गया आपकी बीवी को तो हाथ तो दो। भगवान अगर आप हो ना कहीं तो प्लीज मेरे को दर्शन करवा दो, करवा दो। भगवान तेरे साथ चले हैं पुत्री, आप मेरे जीवन के भगवान, ऊपर वो मेरे जीवन और आत्मा के भगवान है। पूरी आरती चल आगे चले, चल यहीं से देखते हैं ना। चलो चलो चल, जय गंगा मैया। चल चल आगे चल, एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन। शिवानी ने जो करना था वो करा लिया, ठीक है। और एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन तुम भी तो बोलते हो। तो आरती को हम लोग नहीं देख पाए अनफॉर्चुनेटली। अच्छा चलते हैं, अब हमने पूजा सी भी कर ली थोड़ी सी यहाँ पे, जो सबकी सुख शांति के लिए की हमने, और अब चलते हैं ढूंढते हैं। पहले यहाँ एक अभी यहीं बैठेंगे, अभी जाएंगे, अभी जाएंगे, अभी यहीं बैठे हैं। मंदिरों में तो मत्था टेक के आते हैं, मंदिरों में तो जाते हैं। अभी इतना दूर आया ना, तो हर मंदिर देखना है। अच्छा तो लग रहा है, लेकिन हमारे पास वी आर रनिंग लेट ना, कोई रनिंग लेट नहीं है हमारे को, अभी होटल भी नहीं मिला है। गाड़ी में सो जाएंगे, गाड़ी में सो सकते, एक्सपीरियंस लेने चाहिए ना। 6 घंटे का रिचार्ज करते रहेंगे। चलो तो खा लेते हैं यहाँ पे भी कुछ छोटी वाला है, तो आके खाए पहले, रूम का कर लेते हैं ना फिर, क्योंकि हमारा वॉकिंग डिस्टेंस पे ही, अगर हमें वही मिल गया तो गाड़ी वहाँ पार्क करते हैं और फिर आते हैं ना, गाड़ी की टेंशन से फ्री। और फिर थोड़ा सा यहाँ से है मार्केट ना, चलो तो यहाँ को चलेंगे। मेरे को लेनी है एक माला, तो कहीं दिला दो। आई लव टू यर सच थिंग्स। हाँ रूम नहीं मिल रहा, और शिवानी देखो खाने पे डर चुकी है, रूम ढूंढ लो प्रभु पहले। गाड़ी भी रूम ही है, इसने गंगा मैया पे इतना विश्वास रख लिया है कि वो खुद रूम ढूंढ लो बोलेंगे पहले माता। देखना मेरा विश्वास सही साबित होगा, और भगवान जी हमारे को बेस्ट बेस्ट रूम दिलाएंगे। एक होटल में रूम देखने गए, तो क्या बोलते हो कि वहाँ पे सुबह 4 बजे पंडित जी आते हैं, हाथ देखते हैं और आरती के लिए लेकर जाते हैं। हमें समझ ही ना आए क्या क्या फैसिलिटीज है, एमिनिटीज में था ये सब, और मतलब हम लोग जी प्रसाद भी, हम दोनों एक दूसरे का चेहरा देखे कि ये क्या है, मतलब पंडित जी स्पेशल प्रसाद, ठीक है हाथ देखेंगे बाद में दक्षिणा। फाइनली हमें रूम तो मिल गया है, लेकिन हम खाना बाहर से खा के जा रहे हैं, और हमें कोई एक हाँ यहाँ का फेमस है कुछ खाना, पंडित जी पूरी वाला। तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी उस टाइम पे जब हम पहले आए थे यहाँ पे, लेकिन पहले हम सामान लेने गए गाड़ी से, गाड़ी लगाई हमने पार्किंग में, पार्किंग कौन सी है ये दीनदयाल वाली पार्किंग, और उसमें 100 रुपीज़ चार्जेस आई है, क्योंकि हमने चार्जेस भी बताने का वादा किया है आपसे। तो अभी तक हमने क्या खाया है, एक कॉर्न का कॉर्न खाए थे हमने सिर्फ,
वो 20 रुपीस के बस दैट्स इट, बाकी 20 के थे कौन? अच्छा 20 का खीरा भी खाया था, 40 की हाँ कॉर्न्स खाए थे, 20 का खीरा खाया था और शुभम ने 20 का बेल खाई थी। और अब डिनर कर रहे हैं, थाली है वो पहले 290 का है, अपना अपना खा रहे हैं हम। रूम का भी मैं बताऊंगी कितने का है रूम, और अच्छा रूम मिल गया है हमें। वो आ गया खाना, ये है थाली, नॉर्मल थाली है, 90 की है। और ये देखो एक इसमें कड़ी है, दिन में स्पेशल खाई थी, अब नॉर्मल खाई। हाँ, एक इसमें आलू की सब्जी है और एक इसमें दाल है, दाल मैं ही खाऊंगी इसमें से, ठीक है। और दो चार रोटी आएगी, चार रोटी है, चावल है, तो सफिशियंट है क्वांटिटी। और मेरी भी आएगी अभी पूरी वाली थाली है, वो भी मैं दिखाती हूँ कैसी होगी। ऑलमोस्ट इसमें है, प्लेट नहीं मिलती है सर, प्लेट नहीं मिलती इसमें, ये तो है। अच्छा चलो ले लो, तुम्हारा फ्राइड खाने का मन था ना, है ना? आलू आलू मेरे कचालू, ये बहुत डिलीशियस लग रहा है मुझे। मुझे यहाँ का खाना तो बहुत ही टेस्टी लगा, पूरा हिमाचल का फ्लेवर था। प्लस मुझे यहाँ की ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि पत्तल पे, हमारे यहाँ पत्तल बोलते हैं, ट्रेडिशनल है, मतलब हमारे यहाँ ना पत्ते की बनती है और ये इसी पे ही, जब शादियों में भी ना इसी पे ही खाना सर्व होता था पहले, तो रजत की शादी में ना रजत स्पेशली बनवा के की थी कि इसी पे ही करना है खाना भी सर्व। तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी यहाँ की। पत्नी रिसेप्शनिस्ट के लिए लिफ्ट को रोक के रखी है। फाइनली हम लोग रूम में आ चुके हैं और लकीली हमें रूम भी अच्छा मिल चुका है, पर पान खाने का दिल है तो चेंज चूंज करके हम पान खाने चले प्लीज। बाबा वाला चेंज कर दो। हाँ मैं ये चेंज कर रही हूँ अब, रिएक्शन दे सकता हूँ माथे पे, रिएक्शन क्यों होगा इससे, हो जाता है भाई। हम कोशिश करेंगे सुबह जल्दी उठ के एक बार गंगा जी में डुबकी लगाएगा, क्योंकि कहा जाता है कि गंगा हरिद्वार आए और गंगा में नहाए तो क्या होगा, क्या नहाए क्या जिए। रूम हमें इस मोमेंट पे मिला तो काफी अच्छा है उस हिसाब से, तो मैं थोड़ा सा व्यू दे देती हूँ और प्राइसिंग का भी आपको आइडिया दे देती हूँ। हमें 2600 के समथिंग अराउंड पड़ा है इंक्लूडिंग टैक्सेस। तो रूम है कुछ, स्टार्ट करती हूँ यहाँ से। तो ये है रूम, ये है मेरा मिरर आज के लिए, ये रूम है जो काफ़ी डिसेंट है, मतलब इस तरफ को बालकनी है और ये टीवी टूवी जो भी है, बस इतना सा, मतलब ज़्यादा बड़ा रूम नहीं मिला क्योंकि इस टाइम पे मिलना बहुत रेयर, और हम चाह रहे थे कि हमें गाड़ी में घूम के मिल जाए, कहीं भी ड्राइव इन मिल जाए, लेकिन ड्राइव इन कहीं भी नहीं मिल रहा था हमें और दूर दूर मिल रहे थे ड्राइव इन। तो हमको क्या था कि हमको नियर बाय चाहिए था बिल्कुल, ताकि हम सुबह सुबह डुबकी लगाए, आरती देखे सुबह की, और वो पॉसिबल नहीं हो पाना था। अपनी न्यू एप्पल वॉच जो मैंने तुम्हारे बर्थडे कर दी है। आई हैव अ बिग टेरिबल एक्सपीरियंस विद दिस लॉक, सही में नहीं लग रहा है, हरिद्वार की सड़कों पे इस वक्त हम पैदल चल रहे हैं क्योंकि हमको पान खाना है, टाइम हुआ है 10:54, इनका पैदल एक्सप्लोर करते पूरा, बहुत बड़ा है हरिद्वार है ना, लेकिन खाना तो है पान यार। इस तरफ को तो मार्केट भी खुली है देखो, लेट नाइट खुला हुआ, लेट नाइट वो कह रहे थे ना 10-11 बजे तक तो ओपन ही रहता है, मजा आ रहा है। हाँ मजेदार है, अब मजे आ रहे हैं, ड्रेसअप भी चेंज हो गया ना, अब कपड़े भी रिलैक्स वाले आ गए, निकर और बैग भी नहीं अभी हमारे पास, सब कुछ भी। पान खाए सैया हमारो, चलो ओनली 20 रुपीज। लग रही है अब मेरा मन हो गया है रबड़ी कुल्फी खाने का, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है फालूदा कुल्फी, तुमसे खाऊंगा ना, तब से मैं सब से मना कर रही हूं, बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी, ला ला इधर ला दे दे, प्लीज रिक्वेस्ट, हमेशा ऐसा करते हो, पहले बोलो नहीं खानी नहीं खानी और तब खाते हो, क्या बता रहे हो। जब भी बंदे ऐसे घूमने आए ना हरिद्वार में, सबसे पहले अगर मतलब ऐसे 5-6 बजे आ रहे हो
जाके पार्किंग जाओ ससुराल। हाँ, दीनदयाल पार्किंग है, नीला पार्किंग है, दो तीन पार्किंग है, और फिर रूम देखो। भूखा बच्चा, भूखी बच्चा, भूखा बच्चा।